मैं सत्यम आर्या, मेरा आज का टॉपिक है प्रीडेटर्स एंड पैरासिटाइट्स यानी एंटोमोलॉजी। तो कीट विज्ञान में जो कीट हैं, प्रीडेटर्स और पैरासिटाइट नेचर के होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रीडेटर्स किसे कहते हैं और पैरासिटाइट्स किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे कीट जो शिकारी नेचर के होते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें हम प्रेडेटर्स के नाम से जानते हैं। उन्हें हम प्रेडेटर्स के नाम जानते हैं, नाम से जानते हैं, मतलब ऐसे कीट जो शिकार करते हैं, शिकारी नेचर के होते हैं, उन्हें हम प्रेडेटर्स कहते हैं। प्रेडेटर्स की बॉडी जो होती है, प्रेडेटर्स की बॉडी हमेशा होस्ट से क्या होती है, बड़ी होती है। प्रेडेटर्स हमेशा होस्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब उनकी बॉडी होस्ट के अकॉर्डिंग क्या होती, बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। और दूसरा, एक प्रेडेटर को कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल, प्रेडेटर को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन वन होस्ट, एक से अधिक ढेर सारे होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ढेर सारे होस्ट को फीड करके यह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ढेर सारे होस्ट जो होते हैं उसको फीड करके ये प्रेडेटर्स क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो प्रेडेटर की जो बॉडी होगी वह होस्ट से बड़ी होगी, और साथ ही साथ प्रेडेटर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्रेडेटर्स को एक से अधिक ढेर सारे होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसको फीड करके अपना लाइफ साइकिल पूरी करता है। साथ ही साथ प्रेडेटर्स की बॉडी जो होती है वह शिकारी नेचर की होती ही है, वह वेल सूटेड होती है फॉर प्रे। वेल सूटेड बॉडी फॉर प्रे, शिकार के लिए। इनकी जो बॉडी होती है वह वेल सूटेड पहले से होती है, बनी ही होती है शिकार करने के लिए। तो इस प्रकार से इनकी बॉडी वेल सूटेड होती है शिकार करने के लिए। और ये क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर क्या है प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स क्या करता है, प्रेडेटर्स क्या करता है, अपने होस्ट को सडनली सडनली क्या करता है, किल करता है। सडनली किल करके उसको अपना भोजन बना लेता है। तो ये प्रेडेटर्स का मुख्य कैरेक्टर है कि अपने भोजन को अपने होस्ट को क्या करेगा, अपने होस्ट इंसेक्ट को क्या करेगा, किल करके तुरंत अपना भोजन बना लेगा। तो ये प्रेडेटर का मेन कैरेक्टर है। तो चार कैरेक्टर हो गए। प्रेडेटर की बॉडी होस्ट से बड़ी होगी, प्रेडेटर को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन वन होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, होस्ट इंसेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और उनकी बॉडी वेल सूटेड होती है शिकार करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रेडेटर अपने होस्ट को क्या करता है, तुरंत किल करता है, तुरंत किल करके अपना भोजन बना लेता है। इससे जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं, उन हार्मफुल इंसेक्ट को ये प्रेडेटर क्या करता है, अपना भोजन किल करके, मार करके अपना भोजन बना लेता है, जिससे हमारे लिए जो हार्मफुल इंसेक्ट है वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है। कौन, प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर से हो गए। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं प्रेडेटर्स में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल, ये लेडी बर्ड बीटल क्या करता है, ये कैसे के रेड कलर के या ऑरेंज कलर के स्पॉट लाइक बॉडी होती है, स्पॉट पाए जाते हैं डिफरेंट नंबर में और डिफरेंट स्पीसीज आती है। ये क्या करते हैं कि एफिड की पॉपुलेशन को, माहों एफिड की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, किल करते हैं, एफिड की पॉपुलेशन को किल करते हैं। दूसरा क्या है, क्राइसो, CHRYSO परला कॉर्निया, क्राइसो परला कॉर्निया एक ऐसा इंसेक्ट है, यह भी क्या करता है, एफिड को अपना भोजन बनाता है, एफिड को किल करता है, एफिड को किल करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से एफिड से हमारी सुरक्षा करते हैं कौन, क्राइसोपरला कॉर्निया। एफिड से हमारी सुरक्षा करते हैं कौन, लेडी बर्ड बीटल। तो लेडी बर्ड बीटल एफिड को किल करते हैं, साथ ही साथ क्राइसोपरला कॉर्निया भी एफिड को किल करते हैं। तो एफिड को ही किल करके अपना भोजन बना रहे हैं और इससे एफिड से हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एफिड हमारे क्रॉप को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं और भी जो है
क्रॉप्स उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेडेटर्स हो गए, प्रेडेटर्स के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, अब हम जान लेते हैं पैरासिटाइट के बारे में। सिटिक इंसेक्ट्स सर्वाइव या कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन इंसेक्ट होस्ट। जब पैरासिटिक इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं या कंप्लीट लाइफ साइकिल करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं किसी होस्ट इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं पैरासिटाइट। या कह सकते हैं कि इसी इंसेक्ट होस्ट से ये पैरासिटिक इंसेक्ट क्या करते हैं, एंड ऑब्टेंड फूड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट इंसेक्ट। जो हमारा होस्ट इंसेक्ट है जिसके ऊपर पैरासिटिक इंसेक्ट परजीवी के रूप में रह करके उससे भोजन या न्यूट्रिएंट लेता है और उसी के ऊपर लाइफ साइकिल अपनी पूरी करता है, तो इस नेचर पैरासिटिक इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटाइट बोलते हैं। ऐसे इंसेक्ट को हम पैरासिटाइट बोलते हैं, या पैरासिटिक इंसेक्ट को ही हम बोलते हैं, या इंटोमोफेगस पैरासाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, पैरासिटाइट बोलते हैं। इंटोमोफेगस पैरासाइट को ही पैरासाइट को ही हम पैरासिटाइट बोलते हैं। तो अब इसको जो है कि पैरासिटाइट जो होते हैं उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जनरली वन होस्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। इनको क्या होता है, जरूरत पड़ती है एक ही होस्ट की आवश्यकता पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्टेज स्पेसिफिक होते हैं या होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचर में स्टेज स्पेसिफिक एंड होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं या पर्टिकुलर होस्ट की स्टेज के ऊपर अटैक करते हैं, उस पे रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भोजन लेते हैं और लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो जैसे स्टेज स्पेसिफिक समझ सकते हैं, जैसे ये एक पैरासिटाइड हो सकता है, लार्वल पैरासिटाइड हो सकता है, प्यूपल पैरासिटाइड हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टेज है, एक स्टेज का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे ब्रैकोनिड्स ग्रुप के कौन से इंसेक्ट आते हैं, ब्रैकन किरका पत्रकी ये पैरासिटाइड है, और ब्रैकोनिड्स ग्रुप में कौन आता है, ब्रैकन किरका पत्रकी पैरासिटाइड आता है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, यूज किया जाता है आपका पिंक बोलवर्म इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा पैरासिटाइड यूज किया जाता है, ब्रैकन किरका पत्रकी। किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ब्रैकोनिड्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसी तरह से ये क्या है, ये लार्वल पैरासिटाइड है, मीन्स ये ब्रैकन किरका पत्रकी पिंक बोलवर्म के लार्वल स्टेज को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो इस प्रकार से
ये लार्वल पैरासिटाइड है। इसी तरह से एक पैरासिटाइड में देखते हैं, एक पैरासिटाइड में जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज ये क्या है, एक पैरासिटाइड है, यूज किया था किसके लिए, ये राइस स्टेम बोरर, किसके लिए, राइस स्टेम बोरर, बोरर की जो इंसेक्ट के जो एग हैं उनके एक के ऊपर पैरासिटाइड के रूप में, पैरासिटाइड के रूप में अटैक करते हैं, उनके एक को डिस्टर्ब करते हैं, तो एक पैरासिटाइड ये हो जाता है। तो एक पैरासिटाइड में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज यूज की जाती है, और लार्वा पैरासिटाइड में आपका ब्रैकन कृकपत्रिकी मतलब लार्वा पैरासिटाइड है जो कि पिंक होल फार्म के लार्वा के ऊपर अटैक करते हैं। तो इस प्रकार से पैरासिटाइड हो गए उस एग्जांपल हो गए, और प्रेडेटर्स के एग्जांपल ये हो गए और कैरेक्टर हो गए। तो इस प्रकार से प्रेडेटर और पैरासिटाइड में थोड़ा कैरेक्टर हमने जान लिया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।